शाहपुरम में नशे में धुत एक कार चालक ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। 12 साल के बच्चे की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल भी हुए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों में 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। घायलों को शांति गोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इंद्रापुरम के मंगल बाजार चौक पर हुआ है। हादसे के शिकार लोग रामलीला देखने जा रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार बेहद तेज थी। आरोपी कार चालक की पहचान दिलीप के रूप में हुई है, जो गुड़गांव में एक निजी कंपनी में मैनेजर है। उसके साथ गाड़ी में उसकी पत्नी भी थी, जो बैंक में काम करती है। पुलिस ने बताया कि कार का ड्राइवर भी घायल हुआ है। 2 वाहनों को उसने पहले ही टक्कर मार दी थी, जिसमें एक ऑटो और एक अन्य वाहन को टक्कर लगी। फिर बाइक सवार दंपत्ति और उनके 2 बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरा बच्चा बुरी तरह से घायल है। इधर पिता भी इस हादसे में घायल हुए हैं।